सार्वजनिक गणेश उत्सव की धूम पूरे भारत देश में मनाई जा रही है। वह चानुपाड़ा वैभव नगर काशीबाई चौल का बप्पा हमें कुछ अलग ही संदेश देता है। यहाँ पिछले 28 साल से गणेश उत्सव खुशी से मनाया जाता है। जय जीवदानी मित्र मंडल के अध्यक्ष पप्पू भाई ने मेट्रो मुंबई से रूबरू होते हुए कहा, हमें पहले बप्पा को बिठाने के लिए जगह भी नहीं थी। तब हम लोगों ने खाली 51 रुपये का गणपति बिठाना चालू किया और तभी से आज पूरे 28 साल से हम इस उत्सव का आयोजन कर रहे हैं। हम यहाँ से बचपन से इधर रहते हैं और मूर्ति जो हम लोग के पास कुछ भी नहीं रहता था, हम लोग प्लास्टिक बांध के ऐसा ताड़ पत्र बांध के मूर्ति बिठाते थे। पैसा नहीं रहने का फिर भी इधर उधर से हम लोग ये करके किधर से निकाल के 51 रुपये से मूर्ति स्टार्ट किया। आज 28 साल हो गया, 29 साल हो गया, तो आज हमारा मूर्ति का कीमत है 12,000। 12,000 से हम लोग चंदा बिंदा किधर किधर से कुछ निकालते नहीं, हम खुद का सब अपन आपस में चाली में सब निकाल के अपने बिठाते और सब मन्नत का गणपति है। जो भी जो मांगता है उनका इधर पूरा हो जाता है। तो अब आप कैसा फील कर रहे हैं अभी 28 साल पूरे होने के बाद? 28 तो जो पहला जो था पानी भी आता था, पानी आता था मूर्ति को हमको उठाना पड़ता था। अभी भी पानी आता है लेकिन हम लोग नेते के पास कोई जाता तो बोलता अभी बनाता है बाद में बनाता है। हम लोग दूसरे जैसा कोई पैसा मांग के तो करता नहीं, हम खुद का ये करते। लेकिन हम लोग यही है कि हम लोग को मूर्ति ये मंडप का काम करके दे, ये हमारा ये बस पानी आता है नाला बाजू में कि हमारे मना के दे उतना ही हमका बस है। यही हमारा इच्छा है गणपति बाप्पा का। तो आपको लोगों के बारे में क्या, जो आपके जो चौल के लोग है वो उनका क्या सपोर्ट है, क्या कहते हैं? आप लोग तो सपोर्ट करते हैं, जो कमी जास्ते में कुछ भी है मैं बोल देता हूँ तुरंत खड़ा रह के सब लोग घर के जैसे खड़ा रह जाते हैं। कुछ भी कमी कभी करने नहीं देते। आप वो लोग को बोलेगा भाई कुछ कमी गिर रहा है तुरंत बोलेगा तुरंत हाजिर हो जाते, किसको मालूम गिरने नहीं देते। बस यही कहना है। नाम क्या है? ओम प्रकाश पाल, मैं समाजवादी पक्ष का मेरा महेंद्र शहर से जिला अध्यक्ष। गणेश उत्सव मंडल की तरफ से जीवदानी वेलफेयर सोसाइटी या मित्र मंडल की तरफ से जाना पड़ा, मैं इनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और ये गणपति 29 साल से यहाँ पे बैठाते हैं और लोगों की मनोवांछित इच्छा पूरी होती है। जो लोगों का मन्नत रहता है वो अपनी मन्नत लेके आते हैं और गणपति बप्पा उनकी मन्नत को पूरी तरह से सम्पूर्ण करते हैं। और मैं पप्पू दादा का आभार व्यक्त करता हूँ कि आज मुझे भी यहाँ पे आने का अवसर मिला, उसके लिए मैं ये मंडल का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वहाँ के लोगों ने हमें बताया कि उसे जो भी मन्नत मांगता है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है। आज की पूजा के शुभ अवसर पर स्वाभिमानी शेतकरी संगठना के वार्ड प्रमुख प्रसाद कोड़ी उपस्थित रहे और वहाँ बापा से आशीर्वाद लिया। धन्यवाद सर, प्रसाद प्रभु साहब तुम्हें इतने आदर के आगमन दलाल का आभार है। गुरुदेव मित्र बंधु गणपति बाप्पा पप्पू बरब साहेब आणि संतोष बरब साहेब आणि दरवर्षी प्रमाणे मी सध्या मूर्तिकार पण आहे आणि संघटनेचा अध्यक्ष पण आहे, त्या नात्याने मला दरवर्षी इथे बोलवतात। माझ्याकडून चांगल्या प्रकारे कला करण्यासाठी इथे मी त्यांना चांगल्या प्रकारची मूर्ती देतो। त्या मंडळाचा दरवर्षीप्रमाणे वेगवेगळा देखावा असतो, एक समाजाला धरून चांगले कार्यक्रम करण्याचा यांचा मानस असतो। यावर्षी त्यांनी स्वच्छतेवरती भर दिलेला आहे आणि महानगरपालिकेच्या कामामध्ये त्यांनी एक प्रकारचा हातभार लावला आहे। आता वस्तीमध्ये स्वच्छता राखावी या अर्थाने त्यांनी चांगल्या प्रकारचं हे बॅनर्स लावलेले आहेत। मी या मंडळाला असंच दरवर्षीप्रमाणे प्रत्येक वर्षी जेवढं होईल तेवढं मी सहकार्य करण्याची तुम्हाला ग्वाही देतो आणि या मंडळाला माझ्याकडून 100 वर्ष पूर्ण चांगलं व्हावे ही शुभेच्छा देतो। आणि या माझ्याबरोबर आलेले वक्रतुंड बॉईजचे मी आभारी आहे, तसेच इतर सर्व मंडळांचे मी इथल्या आभारी मानतो आणि माझे दोन शब्द संबोधतो, जय हिंद जय महाराष्ट्र।
वाली। आइए तो जानते हैं यहाँ के लोगों से उन्हें कैसा महसूस हो रहा है इस उत्सव का आयोजन करते हुए। यहाँ का जितना भी आदमी है सब अच्छा सपोर्ट कर लेते हैं, कुछ भी तकलीफ होएगा तो सपोर्ट कर लेते हैं। और क्या, इतना सपोर्ट करने के बाद भी इनको अच्छा कुछ होता है, महसूस होता है अच्छा। आज ऐसा खुशी होता है, इतना बढ़ता है और बड़े लेकिन आदमी लोग खुश हो जाते हैं। उनका भाई ने किया लाई, उनका भाई है छोटा भाई, उन्होंने किया लाई ज़्यादा करके। इसमें बहुत सब लोगों का मेहनत है, अच्छा मेहनत है इसमें, और जो भी सब लोग सहायक करते हैं। और कोई हम पैसा दे के, हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, पैसा हम लोग रहते तो हम लोग आदमी लगा करते, लेकिन नहीं आदमी लोग लगा के वो लोग वैसा काम नहीं होता है, और साफ सफाई से सब काम होता है। ये गणपति बिठाने के कुछ मुख्य उद्देश्य है या फिर सबका सहमत है? मतलब सबको अच्छा रखो, हमारा ये उद्देश्य। दर्शन करने को मिला और स्वाभाविक रूप से मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और मैं भी ईश्वर से चाहता हूँ गणपति बप्पा मौर्य से कि ऐसे हर साल की तरह लोग आते जाते रहें, उनका भी हाथ मजबूत हो और उनके प्रति और अच्छा सोचे और अच्छा अच्छी तरह से तैयारी हो और अच्छा आगे उनके मंडल का भी तरक्की हो, वेलफेयर सोसाइटी का राशि भाई चाल का जो भी कुछ है चानूपाड़ा इसका नाम रोशन हो और इनकी कृपा लोगों के ऊपर बनी रहे। मैं भी तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करता हूँ और इन ये मंडल की तरफ से भी जुदानी ये जय जुदानी मित्र मंडल की तरफ से मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि इनकी आस्था इनकी भावना बनी रहे हमेशा। मैं गणपति बप्पा से कृपा दृष्टि चाहता हूँ और मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। ये गणपति उत्सव आप साल ये करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो क्या लगता है आपको, यदि 28 साल से आप ये कर रहे हैं सेलिब्रेट करते हैं, आपको क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है हमको बहुत, हमारे इंसानी की जो कार्यकर्ते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे, हमको अच्छा लग रहा है कि हर साल जो उत्सव जो मनाते हैं हम लोग, ये हर साल ऐसा ही होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, यही सब हम कामना करते हैं। टिम 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 बाली धमाक ढमढोल वाज गरी मजाल राजाच राज गणराज माली माली माझ्या गणन घुंगरू